खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। तो धौलपुर के बाद अब राजस्थान के बीकानेर का रुख कर लेते हैं, जहां भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 49 डिग्री तक पहुंच चुका है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। गर्मी की मार सिर्फ लोगों को परेशान नहीं कर रही है, बल्कि बिजली सप्लाई के लिए लगाए जाने वाले ट्रांसफार्मर्स भी झुलस रहे हैं। आग की लपटें कहीं ट्रांसफार्मर्स को जला न दें, इससे बचाने के लिए वहां बड़े बड़े कूलर्स का इंतजाम किया गया है। लेकिन क्या ये कूलर गर्मी से इन ट्रांसफार्मर्स को बचा पाएंगे, ये बड़ा सवाल। भीषण गर्मी का असर सिर्फ इंसानों और जानवरों पर ही नहीं बल्कि मशीनों पर भी दिखने लगा है। इस वक्त हम बीकानेर के ट्रांसफार्मर में मौजूद हैं और इस ट्रांसफार्मर की तस्वीरें आपके सामने हैं। 3 बड़े कूलर यहां पर लगाए गए हैं ट्रांसफार्मर को कूल रखने के लिए, तापमान को नियंत्रित रखने के लिए। जो पहला ट्रांसफार्मर है उसके सामने 2 कूलर लगे हुए हैं। इस तरह के बड़े कूलर्स आपने बड़े बड़े इवेंट्स में देखे होंगे जहां पर ज्यादा लोग मौजूद होते हैं, तो ये कूलर्स जो है इनका इस्तेमाल किया जा रहा है इस मशीन को यानी कि ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए। 3 ट्रांसफार्मर्स हैं यहां पर और 3 बड़े कूलर्स लगाए गए हैं। पहले ट्रांसफार्मर में 2 कूलर लगाए हैं जिसका लोड सबसे ज्यादा है। कोई अप्रिय घटना ना हो इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश है। जब तापमान जो है ट्रांसफार्मर का 80 डिग्री सेल्सियस रहता है और जब नॉर्मली तापमान करीबन 50 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो ऐसे में ब्लास्ट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। यहां पर जो केयर टेकर है, यहां पर इसको संभालने वाले, विद्युत विभाग को संभालने वाले हैं, उनसे आइए बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मैडम पन्नाराम। पन्ना जी, कूलर लगाए हुए हैं, कब से लगाए हैं? मैडम ये जब से मैडम देखो गर्मी स्टार्ट होती है ना, तो तब से हम लगाना स्टार्ट कर देते हैं। और ईद की साल तो काफी हाई लेवल की गर्मी है, इसलिए हम लगाया है। तो नॉर्मली इसका कितना टेम्परेचर रहता है ट्रांसफार्मर का? ट्रांसफार्मर का मैडम नॉर्मली 50 प्लस रहता है। और जब 50 प्लस टेम्परेचर भी हो जाए तो ऐसे में टेम्परेचर रेगुलेट करना पड़ता है? हाँ मैडम, 50 प्लस हो जाए टेम्परेचर तो इसको रेगुलेट करना जरूरी होता है, क्योंकि इसमें फिर ना को ब्लास्ट होने के चांस काफी होते हैं। अगर कूलर नहीं लगाए आप तो क्या होता है? कूलर नहीं लगाए तो मैडम इस पर लोड काफी होता है, तो ट्रांसफार्मर ऑयल काफी को गर्म हो जाता है, तो उसके ट्रांसफार्मर फटने के काफी चांस रहते हैं। तो ऑपरेटर ने हमको बताया कि फटने के चांसेस जो है वो ट्रांसफार्मर के ज्यादा रहते हैं, इसलिए कूलर की मदद से कोशिश की जा रही है कि जो इसका टेम्परेचर है उसको रेगुलेट किया जाए, कोई अप्रिय घटना ना हो इसकी ये बात सुनिश्चित की जाए। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज राजस्थान।